अब्दुल अजीज जी आज आप लोगों के बीच में है, जिन्होंने प्रशासन के खिलाफ एक लड़ाई का शुरुआत किया। और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप सभी एक्स होमगार्ड यहाँ पर उपस्थित है, और आने वाली योजना के बारे में कल हमारा मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, और जितने भी जो जानकारी है अभी आपके सामने में श्री वी के अब्दुल अजीज जिला परिषद मेंबर कन्यापुरम विम्बलीगंज आपके समक्ष रखेंगे। श्री वी के अब्दुल अजीज जी, सभी को नमस्कार। आज ये मरीना पार्क में बुलाना मेरा एक ट्रायल था कि हमारा हिम्मत आप लोग है, और आप लोग कितना इंटरेस्टेड है अपना कामकाज को लेकर, वो चीज देखने के लिए हम आज मरीना पार्क में बुलाया। इधर हमको माइक का परमिशन नहीं मिलेगा बोलने के लिए, और हम चाहता था कि देखने मांगता था कि आप लोग कितने लोग यहाँ पर आते हैं, और कल इसका डबल हमको वहां में दिखना है। एडमिनिस्ट्रेशन का दिल में एक ही बात है कि किसी को कोई कामकाज का जरूरत नहीं है, इसीलिए यह हरकत करते हैं। अच्छे से मेरा कान खोल के सुन लो जी, मेरा बात को अच्छे से कान खोल के सुन लो। एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब यह है कि मतलब आज तक कोई नेता सामने उतर के ये बात को नहीं रख पाया कि होमगार्ड वाला को नौकरी दे या ना दे, हेल्थ डिपार्टमेंट को नौकरी दे या ना दे, पीपीटी को वांटेड करे या ना करे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको भी मतलब नहीं है, सीधा बात बता दे। लेकिन मेरा दिल में एक ही बात है कि आइलैंडर्स को बचाना है, और ये आइलैंडर्स कब बचेगा, जब हम लोग का सारा बच्चा जब नौकरी करेगा, उनका बच्चा जब अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, उनका बच्चा मेलन जाके जब पढ़ेगा, इसके लिए क्या मांगता, पैसा मांगता जी, पैसा पैसा कहाँ से आएगा, जब किसी का नौकरी नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, आइलैंड कहाँ से बचेगा। आज आइलैंड को तो बिक्री कर दिया, कौन बिक्री कर रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। हम राष्ट्रवाद में नहीं जाता, नेतागिरी में नहीं जाता, लेकिन हम बोलेगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी मिलके आज हम लोगों को बिक्री किया, नहीं किया, किया भी नहीं किया। तो इसके लिए हम लोग कल अपना पब्लिक मीटिंग में अपना बात को रखेगा, ईमानदारी से रखेगा। कल अगर एलजी साहब हम लोग को मिलने का मौका दिया तो ठीक है, नहीं है तो कल हम लोग वहां से एक बिगुल बजाएगा, वो बिगुल के लिए आप लोग तैयार है कि नहीं है, तैयार है कि नहीं है, अपना घर बार छोड़ के तैयार होना पड़ेगा, राजी है। आज मेरे पास परमिशन मिल गया तिरंगा पार्क का, हम लोग कल पब्लिक मीटिंग करने का परमिशन मिला है, और हमको बकायदा हमको जो है अपना पब्लिक मीटिंग का जो परमिशन मिलेगा मिल गया, तिरंगा पार्क की बुकिंग हो गया। आज सुबह तक नहीं हुआ था, 11 बजे तक हम बोला कि तुम लोग बुकिंग देगा तो देगा, नहीं है तो हम लोग घुस के बैठेगा जी, हम डायरेक्ट बोला। उसका बाद में जाके 12:30 बजे जाके मेरा पैसा लेके लिया, 2360 रुपए वो लोग डर के मारे बुला के पैसा लिया, हमको तिरंगा पार किया। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग सब एक होना है, आज एक कैसे आएगा, हम लोग ये मरीना पार्क में जो आया ये हमारे लिए कम है, 400-500 नहीं, कल हमको दिखना है 1000 का ऊपर, 1500 दिखना है, और ये 1500 एक ही साथ एक ही आवाज रहेगा, जो हम बोलेगा वही करेगा, राजी है, राजी है कि नहीं है। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में हम देने के लिए बुलाया, हमें ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए बुलाया। एडमिनिस्ट्रेशन का कान नहीं खुलता है, कान खुलेगा भी नहीं, वो बहरा भी है गूंगा भी है, जैसा राजेश भी बताया था, लेकिन हम लोग को खुलवाने जानते हैं, कैसा खुलवाना तरीका भी हम बताएंगे। बहुत प्यार से हम लोग आज भी बोलते हैं कि हम लोग का बात को सुनो, और 15 अगस्त में झंडा चढ़ाओ यहाँ में एलजी साहब, और अपना ऐलान करो कि ये बच्चों का साथ क्या होने वाला है, इस जेल जब तक नहीं होएगा हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। ये देश आजाद हुआ है, आज अंडमान आजाद नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग मानना पड़ेगा। कोई कोई बच्चा लोग जो 9 साल 10 साल 12 साल भी काम कर लिया, पीपीटी में 18 साल हो गया, 19 साल हो गया, सीएल में अपना एज खत्म कर दिया, मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट वाला सोचेगा नहीं है, करो या हमारा डू एंड डाई, इसके लिए आप लोग तैयार है कि नहीं है। हमको तो उठाएगा, हमको पता है कल जेल जाने के लिए हमको उठाएगा, लेकिन आप लोग मेरा साथ तैयार है कि नहीं है। आज एक ही बात बोलेगा, आज एक ही बात बोलेगा, आप लोग आज जो यहाँ में जो आवाज बोल रहे हैं,
ये आवाज गूंज रहा है कल भी और कल इससे ज्यादा आवाज मांगता है। ठीक है, आज हम यहाँ बुलाया सिर्फ एक ट्रायल के लिए बुलाया, आज सैटरडे का दिन है, आज आप लोग आया हमें, आप लोग का हर मुद्दा को अभी हर डिपार्टमेंट से हम दो दो आदमी को लेके जाएगा, मेरा ऑफिस जिला ऑफिस लेके जाएगा, वहां पे हम लोग का ड्राफ्टिंग होएगा फाइनल ड्राफ्ट, और कल जो आया बच्चा लोग हम लोग अटेंडेंस होएगा, वो अटेंडेंस जो हुआ वही बच्चा का काम होएगा, जो नहीं आया वो घर में है तो घर में ही रहने, तो उसको जरूरत ही है नौकरी मतलब। सर हम जी ठीक है, और ये सही बात है सर, और जो आज आज ये बात सुन के अपना मैसेज पहुंचा देता है, होमगार्ड वाला अपना ग्रुप में डाल दो, पार्ट टाइम वाला अपना ग्रुप में डाल दो, हेल्थ डिपार्टमेंट अपना ग्रुप में डाल दो, कि जो आएगा कल वहाँ पे तिरंगा पार्क में उसी का नाम फाइनल होएगा और उसी का नाम को लेके हमको जाना वहाँ जाएगा, उसका आगे किसी का रकम नहीं चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, डिपार्टमेंट का कल मेरा मीटिंग का आखिरी भाषण में हर डिपार्टमेंट का सीरियल नंबर बता देगा, वही सीरियल नंबर लास्ट रहेगा, अगर 286 है तो 286 रहेगा, 480 है तो 480 रहेगा, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हम नंबर बता देगा कि इतने लोग आया है, इतने लोग का हम काम करेगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को आज ये जीत हम लोग मेरा वजह से नहीं मिलेगा, आप लोगों का वजह से मिलेगा जीत, ये जीत जो मिलेगा आप लोगों का वजह से मिलेगा जी सर, और हम अपना बात कल रखेगा, उस बात में आप लोग सहमति दे के और हम लोग आगे क्या करना है करके हम लोग अपना प्लान कल करेगा। ठीक है, कल हमारा पब्लिक मीटिंग है, एकदम कमर कस लो कि हम लोग को कल पब्लिक मीटिंग में अपना ताकत को दिखाना है और ये ताकत को एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाना है, ये हम झुका के दिखाएंगे। आप लोग का बीच में जो राजेश भैया है शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा साथ दिया और आखिरी तक साथ देने के लिए आप लोग का सपोर्ट भी हमको मिला, लेकिन ये हमारा आखिरी लड़ाई है, कल का जो लड़ाई है ये लड़ाई में हम लोग डिसीजन क्या देगा ये हम अभी नहीं बताएगा, कल बताएगा जरूर सर, लेकिन उसके लिए आप लोग सब तैयार है कि नहीं है, तैयार है माता की, भारत माता की। जैसे कि श्री वीके अब्दुल अजीज जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि कल इनको क्या करना है और ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अकेले ही होती है हर नई शुरुआत, अकेले ही होती है हर नई शुरुआत, अगर हिम्मत है तेरे पास तो जमाना देगा साथ, बहुत हिम्मत है तेरे पास तो जमाना देगा साथ, और आज इसको हिम्मत की जरूरत है, आज इसको ताकत की जरूरत है, और ये हिम्मत और ताकत कौन है, आप लोग हैं, कौन है आप लोग हैं, और जिस एकजुटता के साथ आज आप लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं, कल इसके दुगनी ताकत में तिगनी ताकत में आप लोगों को तिरंगा पार्क आना है, पूरे अगर जो पोडलर में रहते हैं तो परिवार के साथ में आना है, ताकि अंडमान निकोबार प्रशासन को ये समझ में आना चाहिए कि 3 साल के बाद में क्या हमारा पेट नहीं होता है, 3 साल नौकरी दे देता है उसके बाद निकल देता है, 3 साल के बाद नहीं लगता है, ये जो मामला है सिर्फ होमगार्ड का नहीं है, बाकी सारी डिपार्टमेंट का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, मेडिकल डिपार्टमेंट का है, सब में ऐसे ही चलता है, क्या पेट मतलब 2 महीना 3 महीने ये 3 साल के लिए रहता है 1 साल के लिए रहता है फिर हमको भूख नहीं लगेगा, लगेगा सर, तो ये चीज प्रशासन क्यों नहीं समझता है, आज भूखमरी के कगार पर कई लोग है, आज एक छोटा सा अगर एक सब्जी भी खरीदने जाओ तो 120 130 रुपए से केजी मिलता नहीं है, तो इनके पास में इनका आय का जब साधन ही नहीं है तो ये क्या खाएंगे क्या खिलाएंगे, हम लोग सिर्फ एपी अजीज जी एलजी साहब को सिर्फ बताना चाहता है कि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता कितने तकलीफों से गुजर रही है, तो सुनना क्यों नहीं चाहता है, वो हमारा राजा है, हम लोग प्रजा है, कि प्रजा अपनी बात राजा के समक्ष नहीं रखेगा तो किसके पास रखेगा, पूछना चाहते हैं अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं चले जाइए पोर्ट ब्लेयर से जगह खाली कर दीजिए, इतना ही कह करके अपना यह मैं संक्षेप में भाषण समाप्त करता हूं और यही आशा प्रकट करता हूं कि कल तिरंगा पार्क में होने वाले जनसभा में आप लोग भारी से भारी तादाद में आएंगे, चाहे पुलिस बैरिकेड लगा दे, चाहे पुलिस चक्का जाम कर दे, चाहे पुलिस बस बंद कर दे, आप डरेंगे नहीं, आप झुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, बस एक ही साथ
एक कदम बढ़ाते हुए वीके अब्दुल अजीज को मजबूत करने के लिए कल आप सब तिरंगा पार्क पहुंचेंगे। जय हिंद। जितना भी डिपार्टमेंट से आया है सबसे दो दो आदमी मेरे साथ चलेंगे। जिला परिषद ऑफिस जो है हर डिपार्टमेंट का दो दो लोग, जो बात करेगा जानकारी वाला कितना साल से नौकरी में है, जो 9 साल भी करा, 12 साल भी करा, 3 साल भी करे, और उसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट से, उसी तरह पार्ट टाइम CI सारा डिपार्टमेंट जितना CVD वाला लोग और फॉरेस्ट वाला, ये जितना भी सब आया हुआ है सबसे दो दो आदमी मेरे साथ चलेगा जिला परिषद ऑफिस और जाएगा वहाँ पे। आप लोग का पूरा बकायदा आप लोग का बात से ही होगा। आज जो ड्राफ्टिंग होगा फाइनल है, इसके बाद में मेरे को कुछ नहीं बोलना, बढ़ाएगा भी नहीं, ताकि आज मेरे को आशा वर्कर वाला लोग कॉन्टेक्ट किया कि मिलने मांगता, लेकिन लेट हो गया। हम लोग को नहीं बोल सकते, वो लोग कम से कम 500-600 है। हम लोगों को बोला नहीं तुम लोग अलग से मैटर उठाएंगे, वो लोग हटा दिए सबको। इसका अंदर में लेके गुस्से का काम नहीं होगा। जितना आया है उस लोग का प्रॉब्लम को लेके अभी हम दो दो जन से मिलेगा, सबका साथ हम बैठेगा, सबका प्रॉब्लम को लिखेगा और ड्राफ्टिंग करेगा। कल वो ड्राफ्टिंग को आप लोग का सामने रखेगा पब्लिक मीटिंग में, और कल जो अटेंडेंस आएगा उसका साथ अटैच करेगा और उसको दे देगा। ये मेरा फाइनल बात है। और कल शाम को 3 बजे बराबर तिरंगा पार्क में, कोई टाइमिंग अभी जैसा आते ही है, देखो टाइम देखो 3:30 हो गया, मेरे को भी अपना काम काज छोड़ के हम 3 बजे आया, तो कल ये नहीं होना। कल 3 बजे बोले तो 3 बजे करेक्ट हुआ, में हम लोग का भाषण शुरू होना है। जी सर, 3 बजे शुरू होएगा, आखिरी भाषण हम देगा, हम अपना डिसीजन बताएगा कि हम क्या करने वाला है। उसके लिए आप लोग सब तैयार है तो हाथ उठाइए, सब तैयार है, सब रेडी है, एकदम सोच के आया। बस हम अभी आपको एक बात लास्ट आखिरी बता देता, कल हम लोग का आखिरी दिन होगा और हो सकता है कि मेरा साथ में बहुत कुछ करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये अजीज आखिरी सांस तक आप लोग का साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और हम लोग अपना हक को लेके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग तैयार रहो, आप लोग को आगे आने का जरूरत नहीं है, आगे हम लोग बैठेगा, पीछे आप लोग रहेगा, हम लोग पीछे नहीं रहेगा, हम लोग आगे रहेगा। हम लोग सब साथ है आपका साथ, हम लोग आखिरी बात आप लोग से यही है, कल कोई तरह का गाली गलौज कोई शराब पी के नहीं आना है। मेरा बात अच्छा से सुन लो भाई, कोई शराब पी के नहीं आना है वहाँ पे, कोई गाली गलौज नहीं चलेगा, बाकायदा शांति पूर्वक हम लोग का मीटिंग चलेगा। आखिरी भाषण मेरा होगा, वो भाषण में ऐसा बम फटेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को मानना पड़ेगा हम लोग का बात को, अगर नहीं माना तो हम लोग का भाषण का बाद में क्या करना है वो हम बताएं। आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। सबको धन्यवाद, सबको लास्ट में जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे दो दो आदमी जो पैनल में जानना चाहेंगे सर, आज यहाँ मरीना पार्क में किस चीज को लेके इतना बड़ा मीटिंग है? आज अंडमान का परिस्थिति ऐसा हालत में चले गया है कि इतना अनएम्प्लॉयड यूथ रोड में आने के बावजूद भी आज हमारा दोनों पार्टी का आग नहीं खुल रहा है। आपको मालूम होगा नेशनल पार्टी में BJP आज रोलिंग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का MP कैंडिडेट जो आज हमारा एकमात्र सांसद श्री कुलदीप शर्मा जी, इन लोग दोनों आज बच्चों का जो भी एक इशू के ऊपर में अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में बात नहीं करने मांगते। आज ये इशू को लेकर के मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से शुरुआत किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट से शुरू करने के बाद सारा डिपार्टमेंट हमसे जुड़ना शुरू हुआ, जैसे होमगार्ड, हेल्थ, जो भी जितना भी डिपार्टमेंट हमसे जुड़ा है आज उस डिपार्टमेंट को सबको लेकर के आज मरीना पार्क में ट्रायलर था कि कल हमारा तिरंगा पार्क में शाम को 3 बजे मीटिंग होने जा रहा है। उस मीटिंग में हम लोग अपना बात को रखेंगे राजनिवास तक पहुंचाने के लिए। LG साहब को मानना पड़ेगा, हमारा ये बच्चे जो होमगार्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन PPPPPTPT में काम कर रहे हैं, और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो आउटसोर्सिंग जो दादागिरी करके आउटसोर्सिंग में चला रहा है जिसका मर्जी। अभी एक हमारा एक बंदा है जो 5 साल काम करने के बाद उसको निकाल दिया गया आउटसोर्सर्स की वजह से। ये पेमेंट डिपार्टमेंट क्यों डायरेक्ट नहीं दे रहा है, इन लोगों का क्या सेटिंग चल रहा है इसके अंदर, इसके ऊपर भी मैंने आटे डाला है। कल मैंने आटे डाला, होमगार्ड के ऊपर में डाला है, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर डाला है, PPPPT का क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर मैंने आटे डाला है। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरा कल का जो मीटिंग होगा बहुत बड़ा मीटिंग है और बहुत बड़ा एक आंदोलन के रूप में बदलने वाला है।
मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सर आज जितना भीड़ हुआ है आपके काफी, कल इससे ज्यादा होने की उम्मीद है? कल इसका डबल नहीं ट्रिपल होगा मैडम, क्योंकि कल इन लोग का सिंगल आए, कल इनका फैमिली आकर के तिरंगा पार्क में बैठने वाले हैं। मैं आपका मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारा बात को कल कान खोल करके सुन ले, और आने वाला जो मंडे 14 तारीख को हमें बुला करके हम लोगों का जो जो प्रॉब्लम है एक एक प्रॉब्लम के ऊपर में बात करके उनका सोल्यूशन निकाले, नहीं तो हम लोग इस 15 अगस्त का दिन हम लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं, ये ऊपर वाले जानते हैं। जैसे कि हमने सुना आप जब यहाँ पे बात कर रहे थे जनता से, तो आपने कहा था कि ये हमारा आखिरी मीटिंग होगा, कल जो आपका मीटिंग यानी कि 13 तारीख को, अगर उसमें बात नहीं मान रहे तो आगे का क्या हो? आज आपको बता दूं, आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जितना पोस्ट खाली पड़ा हुआ है ये पोस्ट को निकाल रहा है, निकाल लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब जितने बच्चों से काम निकाला है, जो बच्चा अपना जिंदगी दे दिया, आज जितना बच्चा को दिख रहा है सबका एज देखिए, कोई एक भी एक में अप्लाई नहीं कर सकता, 30 उम्र का अंदर में कोई एक बच्चा नहीं है, सब 30 उम्र के ऊपर है। इन लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है? जैसा आपको बता दूं, मैं सीए के जो हमारे सीए का जो हमारा ड्राफ्ट इंस्ट्रक्टर जो टीचर है, इन लोगों का जिंदगी खत्म होकर 60 उम्र होने को हो गया, आज तक इन लोगों का परमानेंट किया 1 ईयर तक नहीं किया। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं, हमारा जो जो डिमांड है मैं ऑलरेडी दे चुका है, और आने वाला दिन कल का जो दिन है शाम को 3 बजे हमारा जो पब्लिक मीटिंग होगा, हमारा वो जो सीएडी होगा उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना बात को लेके जाके बराबर पहुंचाए। सर कितने सारे कहां कहां कौन कौन से जगह से सर आपके पास आए? पूरा डिगलीपुर से लेके कैमल बे तक के लोग यहां पर आए हुए हैं, जितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड जो चाहता है कि जिसको नौकरी मिले उन लोग सब यहां आया हुआ है मैडम, आज इन लोग अपना पेट काट के यहाँ आया हुआ है। कल मेरे को कोई फैमिली कोई बच्चा लोग फोन किया कि मुझसे कहा कि अजीज सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रिलीज को फाइनल मत करिए, मेरा जो है डेली कमाता है डेली खाता है, हमको आके रुकने के लिए पोर्टलर में मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि 12 तारीख को रात को आप बस चढ़िए, 13 तारीख को आप जब पहुंची, आप सोच के देखिए पोर्टलर में आके रुकने के लिए उनके पास 1000 रुपये नहीं है। आज अंडमान का परिस्थिति कहाँ जा रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस बीजेपी दोनों है, इसको जिम्मेदार उसको को ठहराना चाहिए। आज पब्लिक का वोट लेके एकमात्र सांसद बन के बैठा है पार्लियामेंट में, अभी एक एक आवाज उठा रहा है, इससे पहले इनको क्या आवाज उठाना नहीं चाहिए था? आज हमारा लोकल बच्चे यहाँ पर मर रहा है, ये जो बाहर से आके नौकरी ले रहा है इनको क्या बंद नहीं करा सकता था? आप एक लेटर लिख के छोड़िए, आज मैं बोल रहा हूँ आपका मीडिया के माध्यम से, मैं यही बताना चाहता हूँ हमारा सांसद को कि आप सांसद बनने के बाद पूरा 4.5 साल सोया, आज 6 महीना पहले आप जागा है, आप डेली दिख रहा है मीडिया में, आज ये करा आज वो करा, यही काम आप पहले कर लेता तो हमारे ये पब्लिक आज रोड में नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, आज जो पावर उसको दिया गया है चीफ सेक्रेटरी के ऊपर है, वो एलजी साहब के नीचे है, सेकंड पोजीशन में हमारा प्रोटोकॉल में आता है एमपी साहब। क्या कहना है जब इलेक्शन नजदीक आ रहा है, जैसे कि अभी एमपी इलेक्शन आ रहा है, अब जाग रहे हैं हमारे जो भी पार्टी, खाली हमारा मात्र सांसद नहीं है, सारा पार्टी आज जाग रहा है। आप देख रहा होगा आज बीजेपी पार्टी के अजय बैरागी विशाल जोली जी लेटर लिख रहे हैं, ये सब लेटर छोड़िए, लेटरबाजी तो कोई भी कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जिला परिषद मेंबर सिंपल सा एक एरिया का, 2 पंचायत का मैं जिला परिषद मेंबर, मैं दिखाया एडमिनिस्ट्रेशन को कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में इतना खाली पोस्ट पड़ा है क्यों नहीं निकाल रहा, कैसा निकाला, पूरा टोटल 600 से 700 पोस्ट एक साथ निकला। और आज उसमें फिर दोबारा मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि कल जो हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जो जेबीटी और हम लोग का बीएलओ को लेके, अभी दोबारा से आरआर चेंज हो रहा है, अब ये दोबारा आरआर चेंज होगा, अब कैसा भी करके 3 से 4 महीना लगेगा दोबारा फिलअप करने के लिए फॉर्म, ये बच्चों का जो जिंदगी उम्र ज्यादा जा रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो जी लोग गलती करके बैठे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो मीडिया में आप आए, आज मेरे को जो इंटरव्यू दे आप लिए, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, जो आप अंडमान आइलैंडर्स के बारे में सोचे। आज मैं आपको बता दूं इस मीडिया के माध्यम से, मैं कल छोड़ने वाला नहीं है, आगे आने वाला दिन में कल आपको बहुत बड़ा एक अच्छा एक रेस्पॉन्स देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर नहीं दिया तो बहुत बड़ा एक ये चुकाना भी पड़ेगा, ये मैं अभी नहीं बताता हूँ क्या करने वाला है। आज के विषय के ऊपर क्या कहना है? देखिए जो भीड़ देखने से तो लगता है ना कि आदमी कितने परेशान है, परिवार वाले कितने परेशान है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि 3 साल के बाद में निकाल देते हैं होमगार्ड में, ऐसा क्यों है? इनके लिए आगे का रास्ता बनाना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को आज के समय में सोचना चाहिए कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जिस तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी हो रही है, इसके लिए समाधान इनको निकालना ही होगा। ये सिर्फ होमगार्ड का मामला नहीं है, हर डिपार्टमेंट में इस तरह का विषय है। तो आज हम लोग सब मिलकर के यही एक प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक इसका
परिणाम निकले, अंडमान निकोबार प्रशासन को एक परिणाम निकाले, ताकि आज जो लोग जो रास्ते में हैं, जो लोग आज भटक रहे हैं, जो लोग आज आंदोलन में आ रहे हैं, जो लोग आज भीड़ बना रहे हैं, ये भीड़ ना हो, क्योंकि तकलीफ एक तो नहीं सभी को है और प्रशासन को इस तकलीफ को समझना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से बस यही विनती करना चाहूंगा कि हम प्रजा है, आप राजा है, इसलिए प्रजा की बात राजा नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, इसलिए मेहरबानी करके आप यहाँ की जो जनता की बात है उसको सुनिए। वीके अब्दुल अजीज जी आपसे क्या कहना चाहते हैं उससे सुनिए। धन्यवाद।